याद रखना जीवन में बड़ा वही होता है। अब अरविंद सिंह गोम जी थोड़ा बहुत बड़ा तो हमारा भी, लेकिन आपसे बड़ा कहाँ होगा। वैसे हैरान मत होइए, आप क्या सोच रहे थे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन भाई साहब आगामी वाइस चुनाव को लेकर के अरविंद सिंह गोम ने भाई साहब बुकल ठोक दिया। बाकायदा भाई साहब गाँव गाँव भ्रमण कर रहे हैं। इसी दौरान भाई साहब सलौली गोपुर पहुंच गए, जहाँ पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अरविंद सिंह गोम भाई साहब अपने पदाधिकारियों से ऐलान कर चुके हैं, कह चुके हैं देखो मैं देखो मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव को बनाना है, बस रिजल्ट का इंतजार है। वैसे क्या बताए, सब जने भाई साहब जोर तो यही लगा रहे, सुनिए क्या बोले। जिसका मन और दिल बड़ा होता है, आदमी चाहे जितनी बड़ी कुर्सी पे आएगा, उसका मन नहीं बड़ा, दिल नहीं बड़ा, कुछ नहीं कर पाएगा। समाजवादी पार्टी चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, बड़े मन का नेता है। तो अखिलेश यादव जी को मजबूत करिए, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, और जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री तो गरीब किसान नौजवान का काम होगा। जैसे हर चुनाव में पोलिंग जीता है, अब क्या और जाता वोटर से जीता दी हो। और मैं डॉक्टर साहब आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितने आपके बीडीसी सदस्य आपके साथ थे, जो समाजवादी पार्टी का समर्थन किए, हमें जिताने का काम किए, एको का कोई काम रुकने नहीं पाएगा। और जब रुकेगा हमसे बताना, क्योंकि समाजवादी पार्टी बाराबंकी में एक साथ एकजुट होकर काम करती है। और जब एक साथ रहोगे, एकजुट रहोगे, तो हर अधिकारी आपका काम सुनेगा, हर नेता आपका काम सुनेगा। एकजुट रहो, एक साथ रहो, कहते ना बन मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। अरविंद सिंह गोम जी मुठ्ठे तो लाखों की तैयार हो गई है, बस भाई साहब नतीजे का इंतजार है और चुनाव की बारी है। वैसे कुछ हो गई है भाई साहब, अरविंद सिंह गोम जब से अपनी साइकिल चलाना शुरू किए हैं तो रुकने का नामा ले ले रहे हैं। बकायदा भाई साहब बुगल ठोक चुके हैं, ताकत लगा चुके हैं, और भाई साहब 22 चुनाव तक इनका भाई साहब साइकिल रुकने वाला नहीं। फिलहाल कुछ भी कहिए, कार्यकर्ताओं सहित अन्य पदाधिकारियों में बहुत उत्साह देखने को मिला। देखो भाई साहब बाराबंकी जबल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे थे, कहा बताया भाई साहब बकायदा गोरखपुर से लखनऊ की ओर जा रहे थे, और बकायदा स्वागत कार्यक्रम किया गया। इस दौरान भाई साहब जिलाध्यक्ष से लेकर के बकायदा तमाम पदाधिकारी मौजूद देखने को मिले। किस कदर का भाई साहब दृश्य देखने को मिला, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। जय जय भाई साहब बाराबंकी जबल से एक और बड़ी खबर सुनते जाओ। अचानक से भाई साहब घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव हो गया, बकायदा भीषण आग लगी, और आग का भाई साहब टेम्परेचर असल जोर हाई भी हुआ। कहा बताए एक महिला समेत भाई साहब दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, करीबन भाई साहब 5 लोग जुड़ देखे जरा। आनंद फान में भाई साहब सीएससी ने जाएगा, फतेहपुर में उपचार प्रसाद चला। फिलहाल देखिए भाई साहब तस्वीरें इतनी दर्दनाक की कलेरिया तार तार हो गया। वैसे भाई साहब हालत गंभीर देखते हुए बकायदा बाराबंकी जनपद के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मोहम्मदपुर खरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जरा। फिलहाल देखिए देखिए हम तो भाई साहब भयभीत हो गए। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए एवं कथा मिली।